हाय गाइस, वेलकम टू छत्तीसगढ़ गोट फार्म। देखिए गाइस, आज हम लोग घूमने आए हैं। ना ही है, कौन सा जंगल है? औरा पानी वाला भैया, सलगी वाला, सलगी औरा पानी। हाँ। देखिए गाइस, चलते हैं आपको नजदीक में, भाई लोग का भेड़ बकरी दिखाते हैं। अभी समय कितना बज रहा होगा? ये 5 बजे से भैया। कै बजे सुबह माला निकाले रहे हो? 6 बजे। 6 बजे? हाँ। 6 बजे सुबह ले, मतलब वही लगभग 12 घंटा चरवाही है के लिए। देखिए गाइस, 6 बजे सुबेरे से लेके आपको मैं पहाड़ी दिखा रहा हूँ। नॉर्मल आदमी हार्ट बीट बढ़ जाएगा चढ़ते तक के। देखिए गाइस, भाई देसी बकरी है। पहले मैं आपको नजदीक से बकरी दिखा रहा हूँ। एक तरफ फसल बोया, इधर ये पहाड़ी है गाइस। देखिए बकरी, देखिए गाइस, आपको घंटी का आवाज सुनाई पड़ेगा। इसको घंटी लो, इसे टेपरी कही था। राम राम चाचा। घंटी बांधे का फायदा होते? कैसे ही है? सांप बिच्छी डर के मारे भाग गए भैया। कोई जंगली जानवर रही है? हाँ। और का जंगली जानवर दिखे ही है? भालू। भालू ज्यादा है? चीता। हाँ। तो देखिए गाइस, भाई भेड़ बकरी दिखा रहा हूँ आपको, एक से एक बंगाली। हम लोग के लिए चढ़ना ही बहुत टफ रहता है गाइस, मैदान के आदमी के लिए। देखिए देखिए गाइस, भाई मैं ब्रीडर दिखा रहा हूँ, एक बीटल नस्ल का बकरा कहेंगे गाइस आप इसको। हालांकि अभी थोड़ा सा डाउन है, बाकी इसके कान की लेंथ और पेटी देखिए गाइस, अभी बच्चे ही है। देखिए गाइस क्या व्यू है, छत्तीसगढ़ का ये जंगल है, औरा पानी सलगीक जंगल है, एमपी और सीजीक बॉर्डर है गाइस। देखिए मैदान को एक तरफ, इधर फसल है, ये अभी भी रोपा लग रहा है यहाँ गाइस। लेबर बहुत सस्ता है, मतलब आदमी के श्रम की कोई वैल्यू ही नहीं है। देखिए गाइस, छत्तीसगढ़ ही में इसको टेपरी कहते हैं, घंटी। भाई लोग बता रहे हैं, अभी भालू भी दिखा करके बता रहे हैं। देखिए गाइस, घनघोर जंगल है। अब आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये लोग जंगल ही से आ रहे हैं। देखिए गाइस, ये बकरी लोग को देखिए गाइस, अब इनकी भाई के पास कुछ भेड़ भी है। भाई अपना घर बनवा रहे थे, इसलिए भेड़ बकरी निकाल रहे थे, उसी देखने आए हैं गाइस, व्यापारी भाई के साथ। एला कौन सा कलर के थे ये बकरी, ये भेड़ ला? हाँ, भगरी। कबरील कामसी। सामने वाला दिख रहा है, भूरी है। अभी यदि एक मुंडी है, थोड़ को सफेद रहती तो मोरम आ जाती है ना। अभी चावरा, चावरा। देखिए गाइस, इसके ऊपर जंगली जानवर अटैक किए करके बता रहे थे। देखिए गाइस आपको, हालांकि घाव सूख गया, कोई ऐसा जानवर था जो इसको पकड़ लिया था आवाज में। नहीं है का जानवर खींच के ले जाते नीचे अंदर है? बिघुआ। बिघुआ लगभग लगभग लकड़बग्घई को बिघुआ कहते हैं, है नहीं? लकड़बग्घे हमने तीवर बिघुआ कही था ना। ये भेड़ी भैया, ये सबसे देसी भेड़ी है। हाँ, रायगढ़ डर ज्यादा मिलते है ना। देखिए गाइस, इनके भेड़ को बिघुआ ले जा रहा था, बताते हैं वही लकड़बग्घई है। देखिए गाइस, इधर पूरा जानवर चर के बैठ रहे ने, अघाने के लक्षण है। नहीं ये दिन के डूबत ले पूरा चरात हो। हाँ। अच्छा व्यू आ रहा है कि नहीं? जंगल भी घनघोर जंगल, एकदम ग्रीन फॉरेस्ट है। लेकिन ये बार पानी की बहुत कमी है कि नहीं? पानी की कमी की वजह से चारा उतना नहीं उपजिश है कि नहीं? ए भाई लल्ला, वो बकरल पकड़ दो। देखिए गाइस, भाई अपना अब घर पास आ गए, तब इनका चरवाहा बदल रहा है गाइस। जो भाई चरा के आया है वो रेस्ट करने जाएगा, तब दूसरा बंदा इन लोग को अब दिन डूबते तक के चराएगा। हाँ। है कि नहीं? हाँ भी। देखिए गाइस, राम राम भाई। राम राम भाई। कतेक दिन के हो ही बकरा है? ये बकरा अभी 8 महीने के भी है। 8 महीने का बच्चा है अभी, हल्का सा पूछ है घर से, बरसात के नाम लेके है ना? नहीं, वो अभी माछी मन से खड़ी
हाँ। अच्छा मक्खी मच्छर परेशान करत के जी यही सीजन के बच्चे मतलब अगले बरसात के कह दे। देखिएगा इस भाई के एकदम नजदीक आ गए, तब जो इनका चराने वाला भाई था वो बदर रहे। राम राम भाई। राम राम। जंगल जंगल बता नहीं है कौन सा जंगल है। आवरा पानी सलगी मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर है कह दे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर। देखिएगा इस ग्रीन फॉरेस्ट है एकदम, मैं आपको दिखाना चाहूंगा गाइस एकदम मतलब भाई लोग ना बॉर्डर जो इलापन घटिया कहते हैं है कि नहीं, रबारी मेला ढेबी कहते है कि नहीं, गुजराती में ढेबी कहते हैं, उसी लास्ट में है। अब भेड़ बकरी के एक साथ चरा रहे हैं, जो भैया चरा कहा है वो पलटी खाएंगे तो दूसरा बंदा भी इन्हें घर तक के तुम ले गया है कि नहीं। न भैया एमा कौन कौन सा जंगल में जानवर दिखत हो है। भालू दिखे, बिघवा है, कोलिया है। हाँ तुम्हारे ठीक भेड़ अभी बिघवा पकड़ दे है कि नहीं। हाँ, कभी कभी पकड़ देते समय आता तो। हाँ देखिएगा इस एकदम ग्रीन फॉरेस्ट है छत्तीसगढ़ का। ना भाई हमन तू एक घंटा तो खोजे हैं। हाँ घंटी का आवाज अभी चारों मुड़ा बजत है कि नहीं। हाँ। ओखरे ले जानवर के पहचान भी होते है कि नहीं। हाँ। नहीं तो छूटे भय रही थे कि नहीं भाई। हाँ। छूट जाते जन छूटी यदि घंटी पहने तभी पता चली है कि नहीं। हाँ। फिर नहीं जानवर खा दी कह दे। देखिएगा इस बार मैं भाई का आपको बकरी दिखा रहा हूँ इतना मतलब जिसको कहते हैं बहुत मेहनत करके रखे हुए हैं, गाय भेड़ बकरी एक साथ चरा रहे हैं भाई लोग और इसी में अपना गुजारा कर रहे हैं। ना यहाँ कोई आवागमन का साधन है ना कुछ है नहीं है, अब एकदम कच्ची रोड है बता रहे हैं, पानी भी अभी रोड कट के बह गया करके। ठीक थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स।